हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद राधा। तो टॉप 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ ईवीएस सेक्शन के लिए, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है सीटेट 2019 में। एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, तो ये उसके लिए ईवीएस जो सेक्शन है पेपर वन में इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो इसमें पेडागॉजी भी आती है, प्लस जो कंटेंट है वो भी आता है। तो दोनों से मैं क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ सीटेट 2019 के लिए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ क्लास फाइव टीचर टेक्स एन एल्यूमिनियम फॉइल। एक क्लास फाइव की टीचर ने एल्यूमिनियम फॉइल लिया, उसको पानी में डाला और दिखाया कि जो ये फॉइल है ये फ्लोट कर रहा है, बट आफ्टर शी क्रम्बल्स। तो जब उसने जब टीचर ने क्रम्बल कर दिया, इनकी हाथ में पकड़ के स्क्वीज़ कर दिया और फॉइल को एक बॉल की तरह बना लिया, फिर दिखाया कि स्टूडेंट्स को कि ये पानी में अब डूब जा रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? शी देन आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू थिंक एंड गिव रीजंस व्हाई दे थिंक दिस हैज़ हैपेंड। तो बच्चे जो हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करके बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, रीजंस बताने हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस स्किल बच्चे यूज़ कर रहे हैं इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन, कौन सी वो प्रोसेस स्किल है जो यूज़ हो रही है? ऑप्शंस हैं क्लासिफाइंग, ऑब्जर्विंग, मेजरिंग, हाइपोथाइजिंग। तो आंसर डी जो है, हाइपोथाइजिंग, ये करेक्ट है, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व करके उनको अपने रीज़न फॉर्म करने हैं। तो अगर वो हाइपोथाइज करेंगे, किसी चीज़ को अज्यूम करके बताएंगे कि हो सकता है कि उसका वेट बढ़ गया हो, तो ये एक तरह से हाइपोथाइजिंग है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली मेजर नहीं किया है, हाइपोथाइजिंग कर रहे हैं, गेसिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईवीएस पेडागॉजी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिज़ायरेबल प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट। तो ईवीएस पेडागॉजी में सारी डिज़ायरेबल प्रैक्टिसेस हैं, एक को छोड़ के, वो कौन सी है? नर्चरिंग द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, एक्नॉलेजिंग द सुपीरियरिटी ऑफ टेक्स्ट बुक नॉलेज ओवर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, प्रमोटिंग प्लुरारिटी ऑफ टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आंसर है बी, एक्नॉलेजिंग द सुपीरियरिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, मतलब कि टेक्स्ट बुक नॉलेज को सुपीरियर मानना एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के कंपैरिजन में। तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, उसी से बच्चे अपने थ्योरी फॉर्म करते हैं और हमें उनको प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाना होता है। पर टेक्स्ट बुक नॉलेज, अगर हम रोट लर्निंग की बात करें, तो ईवीएस में या साइंस में कभी भी रोट लर्निंग जो है, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। बट यहाँ पर टेक्स्ट बुक सुपीरियर मान रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। महेश, अ क्लास फोर टीचर प्लान्स टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पस। तो क्लास फोर के टीचर हैं, उनको सेंसिटाइज करना है बच्चों को कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज के लिए, तो कौन सी एक्टिविटी वो करेंगे? मोटिवेट ईच स्टूडेंट टू अडॉप्ट एंड नर्चर वन ट्री। तो हर एक बच्चे को बोलेंगे कि आप एक ट्री को अडॉप्ट करो और उसको नर्चर करो, यानी कि उसकी देखभाल करो, या फिर बच्चों को एनकरेज करेंगे पोस्टर कंपटीशन में, ग्रुप डिस्कशन के लिए, या डिबेट कंपटीशन के लिए। तो एक्चुअली सेंसिटाइज हम तब करते हैं जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, जब ट्रीज़ के एक्चुअली कांटेक्ट में आएगा बच्चा, तभी वो उसको नर्चर करेगा, तभी वो सेंसिटाइज हो पाएगा। तो आंसर है ए। इन ईवीएस Children particularly enjoy learning crafts and arts in groups because, तो EVS में बच्चा जो है क्राफ्ट और आर्ट को ग्रुप में क्यों करवाया जाता है, वो enjoy क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर पीयर लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है। पीयर लर्निंग मतलब जो साथ वाले बच्चे हैं उनके साथ जो लर्निंग होती है वो बेस्ट लर्निंग होती है, तो उसको हम यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। चिल्ड्रन बिकम हैप्पी एंड रिस्पॉन्ड विद एंथुसियाज्म व्हेन दे क्रिएट when their creative work are appreciated। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि बच्चा सच में जब वो खुश हो जाता है, उसमें उसके अंदर enthusiasm हो जाता है, वो enthusiastic होता है जब उसकी creative work को हम appreciate करते हैं। It promotes discipline in the class। तो ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि हम कोई भी काम, जो भी लर्निंग हो रही है बच्चे की, तो हमारा जो एम है वो कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हमें डिसिप्लिन क्रिएट करना है क्लास में। डिसिप्लिन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, उनकी लर्निंग को, फ्री लर्निंग को हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो आंसर जो डी है, ये जो डी ऑप्शन है वो गलत है। तो बी, ए बी एंड सी, ए बी सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं।
एक्सपेरिमेंटेशन इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट. जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसको हम असेसमेंट का इंडिकेटर मानते हैं. तो इसमें से कौन सा बेस्ट वे है, कौन सा अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट वे है किसी भी एक्सपेरिमेंटेशन इंडिकेटर को असेस करना, चेक करना. तो ऑप्शंस हैं क्रिएटिव राइटिंग, डेमॉन्स्ट्रेशन, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, पिक्चर रीडिंग. तो आंसर है हैंड्स ऑन एक्टिविटी. क्यों? क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग राइटिंग का एक्सपेरिमेंटेशन से लेना देना नहीं है. एक्सपेरिमेंटेशन जब जो बच्चा खुद करके सीखता है उसको, उसमें हम एक्सपेरिमेंटेशन को बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके वो सीख रहा है, यानी कि वो अपने हाथ इन्वॉल्व हो रहा है किसी एक्टिविटी में. हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो रहा है, डेमॉन्स्ट्रेशन नहीं हो रहा, पिक्चर रीडिंग नहीं हो रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टूडेंट्स इन प्राइमरी क्लासेस हैव अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेट कंसेप्शंस इन मेनी टॉपिक्स लाइक लिविंग, नॉन लिविंग, वाटर साइकिल, प्लांट्स. तो ये जो सारे टॉपिक हैं ईवीएस से हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड हैं ये टॉपिक. तो बच्चों के अंदर प्राइमरी क्लासेस में बेसिकली मिसकंसेप्शंस होते हैं. जैसे कि हम पोएम्स स्टोरीज में बोलते हैं चंदा मामा, हम मून को किसी नाम से बुलाते हैं और एक्चुअली क्या होता है वो नहीं बताते हैं. जैसे कि कॉन्स्टेलेशन है, ये कुछ साइंटिफिक टॉपिक्स हैं. पोलर स्टार है, ये कुछ साइंटिफिक टॉपिक्स हैं. वाटर साइकिल, रेन क्यों हो रही है. तो ये जो मिसकंसेप्शंस हैं, अल्टरनेट कंसेप्शंस जो हैं बच्चों के अंदर, ये कहाँ से आते हैं ये हमें बताना है. ऑप्शन ए है फैमिली एंड कम्युनिटी. तो ये करेक्ट है, फैमिली कम्युनिटी ये हमें बच्चों को मिसकंसेप्शंस देते हैं क्योंकि हम स्टोरीज बताते हैं उनको, अपनी मनगढ़ंत स्टोरीज. टेक्स्ट बुक एंड अदर बुक्स, तो टेक्स्ट बुक और अदर बुक्स ये भी हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं. टीचर्स जो हैं कभी भी ऑल्टरनेट कंसेप्शंस नहीं देते बच्चों को. स्टोरीज एंड पोएम्स की हम बात कर चुके हैं, स्टोरीज एंड पोएम्स से मिसकंसेप्शंस, ऑल्टरनेट कंसेप्शंस आते हैं. तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डी है, ए बी एंड डी. तो ए बी डी, फैमिली एंड कम्युनिटी, टेक्स्ट बुक एंड अदर बुक्स, स्टोरीज एंड पोएम्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेट कंसेप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विथ पिकल्स, वाई इज़ इट सो. तो पिकल्स जो हैं, हम किसी भी चीज़ के पिकल्स जो अचार हम बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, चीज़ों को वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक हम यूज़ कर पाएँ. इसलिए हम उसमें सॉल्ट डालते हैं. सॉल्ट से क्या होता है, वाटर, जो वाटर कंटेंट होता है पिकल्स के अंदर, जो वेजिटेबल्स हम यूज़ करें पिकल बनाने के लिए, वो वाटर, हम मॉइस्चर हम निकाल लेते हैं और उसको ऑयल में रखा जाता है. ऑयल जो है उससे वाटर कंटेंट को उससे कट ऑफ हो जाता है, वाटर से कट कर देता है वाटर कंटेंट को, सॉरी ऑयल को. ऑयल्स जो वेजिटेबल्स हैं उसका जो वाटर कंटेंट है उससे कट कर देता है. तो ऐसा क्यों होता है कि हम ग्लास जार्स और बॉटल्स जो हैं सन में ड्राई कर लेते हैं बिफोर फिलिंग देम विथ पिकल्स. तो ऑप्शंस हैं, टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम देम, टू रिमूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली, टू मेक पिकल्स टेस्टी, टू इंक्रीज द टेम्परेचर. तो करेक्ट आंसर है टू रिमूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली. रेनू'स ग्रैंड मदर शोज हर अ dried up well and tells her that 15 to 20 years ago there was water in the well but now it has completely dried up. What could be the reason for drying up of water in the well? तो grandmother ने बोला कि जो कुआं है ये सूख गया है, but 15 to 20 years ago ये पानी इसमें था और अब ये सूख गया है, क्या reason हो सकता है. तो soil, option है soil around the trees well and nearby area is now covered with cement. A lot of boring pumps have come up in the nearby area. Nobody uses the well as there are taps in everybody's house. तो option D is the correct one. A और B, जो A और B statement हैं ये correct हैं. अब देखते हैं कैसे correct हैं. The soil around the trees well and nearby area is now covered with cement. तो यहाँ जब भी rain होती है तो वो रेन जो है वो सॉइल एब्जॉर्ब करती है. जो रेन वाटर होता है वो सॉइल एब्जॉर्ब करता है. इससे हमारा जो वाटर टेबल है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसका लेवल बढ़ता है. बट सीमेंट की वजह से जो रेन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है. जो रेन वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं, जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर जो जाना चाहिए सॉइल में वो नहीं जा पा रहा है सीमेंट की वजह से. तो ये एक
ऑप्शन है करेक्ट. अ लॉट ऑफ बोरिंग पम्प्स हैव कम अप इन द नियर बाय एरिया. क्योंकि जो वेल में पानी होता है वो बेसिकली अंडरग्राउंड वाटर होता है. बोरिंग पम्प की वजह से, बोरिंग पम्प्स जो हैं वो भी अंडरग्राउंड वाटर को पम्प करते हैं और इससे वाटर टेबल जो है, वाटर लेवल जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत नीचे हो गया है, जिसकी वजह से जो कुएं में पानी था वो ड्राई हो गया है. एंड अर्गिट सिट्स ऑन अ बफेलो बिकॉज, तो अर्गिट जो है, एग्रेट ये जो है एक बर्ड है. तो आपने यूजुअली ये फोटोग्राफ्स में देखा होगा कि एक बर्ड जो है वो बफेलो के ऊपर बैठी होती है. ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस हैं, द इग्रेट सिट्स ऑन द बफेलो फॉर फन. द बफेलो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. द एग्रेट वॉन्ट्स टू स्केयर द बफेलो. द इग्रेट एंड द बफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो क्या होता है, एग्रेट जो है वो बफेलो के ऊपर इसलिए होती है ताकि जो स्किन के, बफेलो की स्किन पे जो भी इंसेक्ट्स हैं वो उसको खा पाए. और बफेलो जो है वो जाती है, यहाँ पर एग्रेट जो है वो उसको खाना मिल गया बफेलो से, और बफेलो को क्या मिल गया, उसकी स्किन साफ़ हो गई, वो इंसेक्ट से, डिसीजेस से बच गई. तो यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो रहा है दोनों का, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में. दोनों को, जो दो पार्टनर्स होते हैं यहाँ पे, ईग्रेट एंड बफेलो है, तो दोनों पार्टनर्स को सिम्बायोटिक एक दूसरे से फ़ायदा मिल रहा है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन ऑफ रूट्स फॉर द प्लांट्स. तो प्लांट्स का जो रूट्स होती हैं उसका फंक्शन हमें पता होने चाहिए. तो ये ऑप्शंस देखते हैं, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, टू स्टोर फूड. तो रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की वो प्लांट्स को सपोर्ट करती हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं. और ऑप्शन ए जो है ह्यूमस प्रोवाइड करती हैं, ये गलत है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट करनाम महेश्वरी. तो ये करंट अफेयर्स से टॉपिक है. करंट अब उस टाइम पे ये मैंने कुछ पुराने क्वेश्चंस लिए हुए हैं. तो करनाम महेश्वरी जो हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए. जो करंट टॉपिक्स हैं वो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए. तो ऑप्शन है, शी इज़ अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम. She is from Karnataka. She has many records to her credit. She could lift weight up to 130 kg. She started lifting weights when she was 12 years old. तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट है, ए सी एंड डी. यानी कि ए ऑप्शन, she is a weightlifter of international fame. She has many records to her credit. She could lift weights up to 130 kg. और she started lifting weight when she was 12 years old. The following are some of the statements regarding step well or Bewley's. तो step wells जो होते हैं उनके बारे में, Bewley's के बारे में हमें पता होना चाहिए. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट हैं? ऑप्शंस हैं, दे आर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन. दे वर यूज्ड एज कम्युनिटी रिसोर्स. They are found or constructed mainly in rain-parched states. They contain only contaminated water. तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ए बी एंड सी. यानी कि जो Bewley's या स्टेप वेल्स हैं वो ट्रेडिशनल सिस्टम है वाटर स्टोरेज के और कंजर्वेशन के. और यहाँ पर जो है ये जो वाटर स्टोरेज होता है यहाँ पर कम्युनिटी रिसोर्स है, पूरी कम्युनिटी यूज़ करती है. और ये वहाँ पर होता है जहाँ पर रेन जो है वो कम होती है, वैसे स्टेट्स में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म. द प्लेस वर्ली इज इन स्टेट ऑफ. तो वर्ली जो है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है. द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर. तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया, कि ज्योग्राफी से भी आते हैं क्वेश्चन. तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं? केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. Which of the following has the sense of hearing so sharp that it can make out the difference between rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass? तो यहाँ पर जो सेंस ऑफ हियरिंग की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा शार्प जो है सेंस ऑफ हियरिंग किसकी होती है कि वो यहाँ तक की डिफरेंस बता दे कि ये जो लीव्स की आवाज़ है या किसी एनिमल की मूव करने की आवाज़ है. तो आंसर है डी, टाइगर.
When one is traveling from Ahmedabad to Kerala by train, one comes across many tunnels. These tunnels are in the hills of. तो जब हम अहमदाबाद यानी कि अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में, अहमदाबाद से केरला की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे टनल्स आते हैं, और वो टनल्स कौन से हिल्स के होते हैं? वेस्टर्न घाट्स. द अर्थ इज़ राउंड, देर इज़ एक्चुअली नो अप एंड डाउन ऑन द अर्थ एंड इट इज़ जस्ट रिलेटिव. वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू द पीपल ऑफ. तो जो अर्थ है वो हमें पता है वो राउंड है, और हम लोग जो पीपल ऑफ इंडिया है वो हम अपसाइड डाउन किसके रिलेशन में, कहाँ कौन से लोग हैं, कौन से कंट्री के लोग हैं जो जिनके जिसके रिलेशन में हम उल्टे खड़े हुए हैं? तो आंसर है यूएसए, अलास्का. It is advised to put oil on stagnant water to prevent breeding of mosquitoes. This is because तो stagnant water जो रुका हुआ पानी है उसमें हम oil डालते हैं ताकि मच्छर जो हैं मच्छरों की population जो है, मच्छरें वहाँ पर मच्छर जगह ना बना पाएँ अपनी. तो ऐसा क्यों होता है? Options हैं, mosquitoes are repelled by oil, mosquitoes are killed by oil, they get stuck in the layer of oil, oil cuts off oxygen supply, thereby stops the breeding of mosquitoes. तो ऑप्शन डी है करेक्ट, जहाँ पर हम ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि जो ऑक्सीजन सप्लाई है, जो एयर से ऑक्सीजन सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाए और वहाँ पर मच्छर जो हैं वो ब्रीड ना कर पाए. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बीज. तो ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स हैं वो कॉलोनीज़ में रहते हैं, जैसे कि हनी बीज. हनी बीज आपने देखा होगा कि उनका जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का, वो लोग कॉलोनी में रहते हैं. आंट्स जो हैं, चींटियाँ जो हैं, वो कॉलोनी में रहती हैं, आपने देखा होगा जाते हुए. और जो वो कहीं भी जाती हैं तो लाइन में जाती हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में जाती हैं. टर्माइट जिसको हम दीमक बोलते हैं, वो भी साथ में ही रहते हैं, कॉलोनी फॉर्म में ही रहते हैं. वास्प भी कॉलोनी में रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कि बर जिसे बोलते हैं वास्प. पर स्पाइडर जो है वो स्पाइडर वेब जो है वो स्पाइडर अकेली ही बनाती है, वो कॉलोनीज में नहीं रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज इन रूरल एरिया इज लिंक टू टाइल क्लाइमेटिक कंडीशंस इन विच दे आर बिल्ट. देयर इज अ विलेज वेयर हाउसेज हैव फॉलोइंग फीचर्स. हाउसेज आर मेड, मतलब हमें हाउसेज के फीचर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हाउसेज बनते हैं. तो ये कहाँ पर ऐसे हाउसेज होते हैं, फीचर्स देख लेते हैं. हाउसेज आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स इनसाइड, यानी कि बैम्बू के पिलर्स होते हैं, और बैम्बू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्ट में होता है. इनसाइड ऑफ हाउसेज इज़ ऑल्सो मेड ऑफ वुड, मतलब जो घर के अंदर होते हैं वहाँ वो वुड के ज़्यादातर बनते हैं, जो इंटीरियर है उसका वुड का होता है. हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 3 meters to 35 meters अबव द ग्राउंड, तो ग्राउंड से ऊपर होते हैं. रूफ्स आर मेड विद अ स्लोप, तो स्लोप होती है ताकि, स्लोप हम कहाँ बनाते हैं, जहाँ की ज़्यादातर रेन होती है या स्नोफॉल होता है, ताकि वो छत पे इकट्ठा ना हो, कलेक्ट ना हो. तो ये ऐसे हाउसेस कहाँ पर होते हैं? इफ़ इन दिस विलेज इट रेन्स हेविली द विलेज शुड बी अ पार्ट ऑफ. तो आंसर है असम. क्यों? क्योंकि बैम्बू जो है सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, असम जो है नॉर्थ ईस्ट में आता है, और यहाँ पर ठंडा ज़्यादा रहता है, इसलिए जो घर हैं वो वुड के होते हैं, और भी सारे फीचर्स जो हैं वो फेवर करते हैं असम को. सो हमने ये 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए EVS से. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देखना चाहिए आपको. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेरी है आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच.